कुछ इस तरीके के हेलमेट जो है ना पहनकर आजकल वीडियो बना रहे हैं। बढ़िया चेंज कर दिया है ना। हाँ, और ये लग भी अच्छे रहे, लग अच्छे रहे हैं ना। तीनों चारों भाई बहन जो है एक एक दरवाजे की बैक साइड पे ना चौक से लिख लिख के जो है प्रैक्टिस करते थे। ये है मलाई कोफ्ता, ये है जी थोड़ी सी मिक्स वेज, और ये घर की बनी हुई जी आलू मेथी की सब्जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे हो गए जी। अभी टाइम हो रहा है जी, अब क्या टाइम हो रहा है, 8:45? पौने नौ का टाइम हो रहा है जी, और मैं निकलने लगा हूँ पार्क सैर करने के लिए। लेकिन फिलहाल एक गिलास जो है ना जी नींबू और शहद वाला जो पानी है उससे आज के अपने दिन की शुरुआत करने लगा हूँ। टाइम हो रहा है जी 9:42 और मैं आ गया हूँ जी पार्क में सैर करने के लिए। और आज है जी अपना फैट टू फिट की जर्नी का day 23। इससे पहले मैंने अभी ट्रैक जब शुरू किया तो day 22 बोल दिया, फिर मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, मेरे ख्याल से शायद 22 कल का दिन था। तो चेक किया तो बिल्कुल सही निकला जी, आज है जी day 23। सैर अपनी शुरू कर दी है, सुबह सुबह मैंने आपको दिखाई दिया कि भाई नींबू और शहद वाला जो पानी है वो पी के जो है ना मैं पार्क में आ गया हूँ। बाकी दिल्ली का मौसम के बारे में बता देता हूँ भाई, सुबह अच्छी खासी हवा होती है और ठंड होती है, और शाम को 6-7 बजे के बाद में ठंड होती है। बाकी इस बीच का जो है ना 11-12 बजे से लेके 4-5 बजे तक जो है ना अच्छी खासी जो धूप होती है उसमें गर्मी लगती है, उस वक्त आप जैकेट वगैरह नहीं पहन सकते। लेकिन जैसे इस टाइम भाई अगर जैकेट वगैरह नहीं पहनोगे तो मैं सही बता रहा हूँ, मतलब अच्छे खासे बीमार पड़ने के जो है ना ये मौसम जो है संभल के निकालने वाला है, नहीं तो बीमार पड़ गए तो स्यापा पड़ जाएगा। बाकी आज अपने को दिन भर में ना दुनिया भर के काम है, मतलब अभी जिम भी जाना है, आज तो 100% जाऊंगा, फिजियो वाले के पास भी जाना है, और आज मैंने एक डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट ली हुई है अपने नी को जो है ना दिखाने के लिए कि भाई एक बार फिर से जो है ना सही से चेक करवा लूँ, क्योंकि अभी भी उसमें पेन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब प्रॉपर सही तरीके से आराम आ नहीं रहा, तो एक बार दिखाना तो बनता है भाई। बाकी ये आज अपने को मदनगिर भी जाना है, शूज़ वालों को फ़ोन आया था मतलब जहाँ से मैंने जूते लिए थे कि भाई आपके जूते जो है वो मतलब कंपनी ने वापस ले लिए हैं और आप जो है नए शूज़ जो है वो सिलेक्ट कर लो, तो वो भी एक अच्छा काम हो गया, वो भी आज निपटाना है। देखते हैं भाई क्या क्या काम निपटेंगे, लिस्ट तो अभी और इससे ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जो जो होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता रहूँगा। टाइम हो गई जी 10:32, 5,115 जो है ना जी अपने आज के स्टेप हो गए हैं, और अब यहाँ से जी अपना ट्रैक हो गया ख़त्म। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट, यहाँ से 5 मिनट के लिए घर जाना है, उसके बाद अगर हो सका तो जिम जाऊँगा, नहीं तो 11:30 बजे जो है ना मैंने जाना है डॉक्टर के पास, और अभी ऑलरेडी 10:32 हो चुके हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर जिम हो तो सकता है, लेकिन 11:30 बजे उनके पास पहुँचना है, 12:45 तक भी पहुँच जाऊँगा तो चलेगा। चलो देखते हैं जी जो होता है, पहले फटाफट जो है ना घर पहुंचते हैं। अपना राउंड आज भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा फर्स्ट क्लास, आज मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे लगता है, क्योंकि 1 घंटा आज मेरे को पूरा ट्रैक करने में लग गया। लो जी टाइम हो रहा है जी 12:06 और मैं हूँ जी इस वक्त घर पर, ना तो मैं डॉक्टर के पास गया ना ही मैं जिम जा पाया, कुछ काम आ गया था। बाकी डॉक्टर के पास तो मैं शाम को भी जा सकता हूँ, फिलहाल जो है जी मैं घर पर आया हूँ नोना जी के पास में। हेलो नोना। नमस्ते। हाँ जी हटियो ज़रा, ये देखो ये इस तरीके से ना प्रैक्टिस करती है बोर्ड के ऊपर लिख लिख के, मैंने इसलिए यहाँ पे वीडियो बनानी शुरू करी, मैंने कहा मैं इसको ऑलरेडी मेरी बेटी को तो पता ही है, हमने बताया हुआ है, हमारे टाइम में हम लोग जो है ना अपने हम तीनों चारों भाई बहन जो है एक एक दरवाजे की बैक साइड पे ना चौक से लिख लिख के जो है प्रैक्टिस करते थे। अब आजकल जरा थोड़ा सा एडवांस हो गया, बच्चों के पास ऐसे ये बोर्ड और मार्कर हो गए हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल टाइम जैसे 12:06 बताया है, और 10 मिनट में वेदांत को जो है ना स्कूल लेने जाऊंगा, तू चलेगी? हाँ। है दोनों चलेंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस हो गई पूरी, तैयारी है? चलो ठीक है जी। लो जी टाइम हो गया जी 1:01, ये चल रहा है जी अपना ब्रेकफास्ट, आज हमने खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ जी तरबूज, और यहाँ पर नोना जी प्रैक्टिस करने लगी थी लेटर लिखने की, और ये जनाब ने आते ही कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं, ओए 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 डस्टर से उससे मिटा, हाथ से नहीं करते, हाथ से नहीं करते बाबू, अब ये तेरे को करने देगा? अपने पास पूरा 1.5 घंटा था इनको पढ़ाने का, मैंने कहा चल नोना को पढ़ा देता हूँ, और पढ़ाने बैठा दो। हाँ इसको कुछ ना कुछ तो करना बेटा, अब तो तू कॉपी में ही कर ले, इसको रहने जब ये तेरे को करने नहीं देगा इस पर। भाई टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 4। ठीक है जी, और अपने पास लंच आ गया है जी, एक है प्लेट पूरी खीरे की, साथ में 2 रोटी ले लिए जी और सब्जी ले ली है जी थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, ये है मलाई कोफ्ता, ये है जी थोड़ी सी मिक्स वेज,
और ये घर की बनी हुई जी आलू मेथी की सब्जी, ये एंजॉय करते हैं। अब देखो अभी 4 बजे, 6 बजे का जो है ना अपना इरादा है जी जिम जाने का। तब तक खाना वाना आराम से हजम हो जाएगा। थोड़ा सा नोना को जो है ना कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाना है, तो उसका छोटा सा टेस्ट भी लेना है, वो भी ले लेंगे। तो अपने पास आज टाइम है जिम जाने का प्रॉपर सही तरीके से। फिलहाल जी अपना लंच जो है ना ये इंजॉय करते हैं, भूख लग रही है अब दबा के। भाई पढ़ाई के बीच में हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, और ब्रेक हमने लिया है जी ग्रीन टी के लिए, ठीक है। ये मेरी है जी, और ये नोना के लिए थोड़ी सी हल्की सी लाइट कलर में है। तूने पहले पी हुई है? हाँ। है? हाँ। अच्छा, मुझे लगा कि तभी मैं वीडियो शूट करने लगा, मैंने कहा तू पिएगी तो तेरा थोड़ा सा वो देखूंगा कि तेरे को कैसी लगती है। चलो पी रखे तो फिर क्या वीडियो शूट करनी, ये पी लेते हैं जी। और टाइम फिलहाल बता देता हूँ, अभी 4:51 हो गए हैं। अभी अपने पास है 1 घंटा, हम और पढ़ सकते हैं अभी, है ना। चलो गाइस, पापा मुझे पढ़ाते पढ़ाते सो गए, देखो सो गए, पापा को भी रख कर। Later that same evening. भाई टाइम हो रहा है जी 8:45, और मैं इस वक्त आया हूँ जी मदनगिर मार्केट में, और यहाँ पर हम आए हुए हैं ये भैया जी के पास जो है ना शूज चेंज करवाने के लिए आए थे। भाई जूते अपने चेंज हो गए हैं और बड़े फर्स्ट क्लास ले लें, इस बार थोड़े से और जो है ना पैसे ऐड कर दिए इसमें, अब लग तो बहुत अच्छा रहा है। भैया इसमें कौन सा जेल है, सोल कौन सा बता रहे? जेली फॉर्म है, ठीक है। और मनीष भैया ने आपका नाम है ना, तो थैंक यू भैया। देखो जी अपने शूज हो गए फर्स्ट क्लास तरीके से चेंज, और मैं अब चलकर भी जो देख रहा हूँ ना वाकई में काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। सही है, ये शॉप है जी भैया की गुरुद्वारे के, आप बिल्कुल जैसे ही आओगे ना यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पे शॉप से आप इनसे शूज ले सकते हो। बढ़िया चेंज कर दिया है ना। हाँ, और ये लग भी अच्छे रहे, लग अच्छे रहे हैं ना। ये एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने जो है मतलब अगर प्रॉब्लम थी वो मान गया। हाँ, ना रिप्लेस कर दिए। चलो चले, अपने पुराने जूते जी डाल दिए इस डब्बे के अंदर, अब चलते हैं बाकी मदनगिर मार्केट में। आज हमने कुछ खाना वाना नहीं है, स्कूल टाइम से जो है ना मैं यहीं से आके शूज ले रहा हूँ, और शॉप भी अच्छी है यार, माल अच्छा रखते हैं। बाय चांस अचानक कोई चीज खराब निकल गई तो वो एक अलग चीज है। बाकी मदनगिर में एक और चीज सबसे ज्यादा फेमस है, वो है जी ये वाली शॉप है ना, मैंगो शेक। हर वक्त आपको यहाँ पर इसी लेवल की भीड़ मिलेगी। ये तो पूछने बनते हैं भाई, ये हेलमेट का आजकल बहुत तहलका मचा हुआ है भाई मदनगिर में ना। अभी यहाँ से निकल ही रहे थे, एक बड़ी कमाल की चीज मिली है। कई यूट्यूबर्स ना आपने देखे होंगे वो बाइक वाले जो है कुछ इस तरीके के हेलमेट जो है ना पहनकर आजकल वीडियो बना रहे हैं। तो हेलमेट का जो है ना प्राइस पूछ कर आता हूँ, पर फर्स्ट फ्लोर पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आ जा, तू भी आ जा, यहीं लगा दे स्कूटी, पूछ कर आते हैं जरा इसका प्राइस क्या है भाई। तो भाई शॉप पर आ गए हैं, अंकल जी हमारे साथ में है जी, ये बता रहे हैं कि ये हेलमेट के ऊपर ही चढ़ जाएगा। हेलमेट के ऊपर। और क्या प्राइस है इसका? अब पहले तो 550 था, अब 450 हो गया रेट। अच्छा, 450 रुपए में ये किसी भी हेलमेट के ऊपर चढ़ जाएगा। बढ़िया यार ये तो। और इनके पास तो मैं ऊपर आके भाई हैरान हो रहा हूँ, आप ये देखो कितनी सारी चीजें हैं इनके पास, हेलमेट तो दुनिया भर के हैं। बढ़िया जी, और कितने साल हो गए जी यहाँ पे शॉप को? अभी हाँ आज पूरे 2 महीने हुए। अच्छा, ये अभी ओपन हुई है। भाई साहब रेंज देखो यार हेलमेट की, एक से एक कमाल की। अपना एड्रेस बता दो जी अगर किसी को चाहिए हो, क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स ये सब चीज़ें बहुत ढूंढ रहे हैं। तो आपका नंबर दिखा देता हूँ, अगर कोई हेलमेट वगैरह लेना चाहे, या इस तरीके की जो है ना वो पब्लिक रिएक्शन वाली, यहाँ पर बहुत वीडियो बन रही है। अच्छा, वहाँ पर भी काफ़ी रेंज है। एक हेलमेट बहुत ही कमाल का लगा है, ये वाला देखो यार, ये कितने का होगा महाराज? 2550। और एक ये देख लो, हेलमेट बहुत कमाल का लग रहा है, प्राइस ठीक है आपका। ये वाला, ये ब्लू वाला, ये 1890। अच्छा, एक ये वाला हेलमेट जो मेरे ख्याल से वो पहनता है इस तरीके का ना, नियोन वाला, जट प्रभजोत। अपने को तो जो है ना ऐसे निकलते हुए नजर आया, अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो आपके साथ जो है ना जी शेयर कर देते, थैंक यू। मैंने इनको पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा लेना कुछ नहीं है जी, मैं सिर्फ थोड़ा सा देखूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है, और मेन तो मैं वो देख कर आया था। वो तो मैंने आपका कार्ड दिखा दिया। अच्छा, फोन नंबर नहीं आया उसमें? लो जी अंकल जी का जी है, नंबर भी देख लो जी, अगर किसी को यहाँ पर आना है कॉल करके तो आ जाना। थैंक यू सो मच जी दिखाने के लिए, ठीक है। देखो भाई ये आपको दिखा दिया, मैं नीचे आके फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अपना इनसे कोई लेना देना नहीं है, अपने को वो दिखा
हमने कहा आपके साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आजकल फैशन में चल रहा है, कई यूट्यूबर्स जो है ये पहन कर घूम रहे हैं और मात्र 450 रुपए में पब्लिक रिएक्शन की तरह कमाल का बनता है। सही बात। चलो हम भी कभी सोच रहे हैं कभी ऐसी वीडियो हम भी बनाएंगे कि पब्लिक जो है इसको देख के काफी रिएक्ट करती है। और तूने तो बाइक पे देखा है, मैंने तो एक बंदे को ये वाला हेलमेट पहन कर ना वो भैंस के ऊपर बैठे हुए देखा है। हाँ चलो चलते जी। बाकी जी आज शाम को जैसे मैंने बोला था कि जी मैं जिम जाऊंगा, मैं जिम नहीं गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, क्योंकि मैंने कहा कि यार एक बार दिखाई लेते, और उन्होंने भी भाई दुनिया भर की जो है ना दवाइयाँ लिख के दे दी हैं। बाकी सैर करने के लिए कह दिया कि सैर वैर कर सकते हो, तो सैर को मनाही नहीं है। लो जी टाइम हो रहा है जी 10:06, आज के अपने स्टेप हुए जी 7706 और यहाँ आ गया जी अपना डिनर। एक प्लेट यहाँ पे थोड़ी सी खीरे की है जी, बैंगन का भरता है, मूली विद अचार है जी, थोड़ा सा अचार यहाँ पर है, और एक सिंगल रोटी बनाई है जी अपनी आज के डिनर में। ये है सही बताऊं तो ये डिनर करना नहीं था, लेकिन बैंगन के भरते के आगे भाई कुछ चीज़ें जो है ना सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। सोचा तो था कि अंकुरित दाल जो है ना वो खाएंगे डिनर में, लेकिन बैंगन का भरता भाई एक रोटी ले लिया, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करता हूँ जी, इसके बाद आराम से एक घंटा भी मैं और जागूंगा, गर्म पानी पीऊँगा या शायद दूध ले लूँगा गर्मा गर्म, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने वो कैल्शियम वाला डी विटामिन डी वाला जो पाउच आता है ना वो दिया है आज पीने के लिए, हफ्ते में 2 कहे हैं, ठीक है, तो वो एक मेरे को लेना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यार सब्सक्राइबर जो है ना बहुत धीरे बढ़ रहे हैं भाई, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय।